प्रतिदिन टॉप 10 करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए करंट जीके को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें और वीडियो को लाइक करिए। चलिए आज का इंपॉर्टेंट वीडियो स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिक्स ने कितने नए देशों को ग्रुप में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है? ब्रिक्स ने कितने नए देशों को ग्रुप में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6 देशों को आमंत्रित किया है ब्रिक्स ने। हाल ही में ब्रिक्स सम्मेलन जो है साउथ अफ्रीका के जोहानसबर्ग में हुआ। राइट आंसर हो जाएगा 6। डिटेल देख लेते हैं फ्रेंड, ये 6 देश हैं अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। नई सदस्यता 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होगी। और अभी ब्रिक्स में कितने देश हैं? ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका यानी कि 5 देश हैं इसके सदस्य हैं अभी फिलहाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ISSF यानी कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्व चैंपियनशिप 2023 में अमनप्रीत सिंह ने कौन सा पदक जीता है? ISSF विश्व चैंपियनशिप 2023 में अमनप्रीत सिंह ने कौन सा पदक जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल जीता है फ्रेंड। 25 मीटर पिस्टल शूटिंग स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है अमनप्रीत सिंह ने और इसका आयोजन जो है बाकू अजरबैजान में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसरो द्वारा लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? इसरो द्वारा लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पी वीर मुथुवेल इज द राइट आंसर। इसरो के अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ और के सिवान जो है इसरो के पूर्व अध्यक्ष हैं। रितेश चौहान जो है नेफेड के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। डिटेल देख लेते हैं फ्रेंड, राइट आंसर हो जाएगा पी वीर मुथुवेल। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1969 को। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है और इसके अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। और 23 अगस्त 2023 को इसरो ने चंद्रयान मिशन को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड करके पूरे विश्व में इतिहास रच दिया है फ्रेंड। ऐसा करने वाला भारत जो है पहला देश बना है। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं फ्रेंड। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग UWW ने किस देश की कुश्ती संघ यानी कि रेसलिंग एसोसिएशन की सदस्यता रद्द कर दी है? यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग UWW ने किस देश की कुश्ती संघ की सदस्यता रद्द कर दी है या निलंबित कर दी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। भारत यानी कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया WFI। राइट आंसर हो जाएगा भारत, भारतीय कुश्ती संघ यानी कि WFI की सदस्यता रद्द कर दी है। खिलाड़ी अब देश के झंडे तले नहीं खेलेंगे, ऑथोराइज्ड न्यूट्रल एथलीट यानी कि ANA के रूप में खेलेंगे। इनका मेडल जितना भी अब देश के लिए नहीं गिना जाएगा, मतलब देश के खाते में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में किस शहर ने पहला स्थान हासिल किया है? स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में किस शहर ने पहला स्थान हासिल किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंदौर। इंदौर MP इज द राइट आंसर। लगातार 7वें साल इंदौर ने प्रथम स्थान हासिल किया है। आगरा दूसरे स्थान पर है यूपी का, तीसरे स्थान पर है ठाणे, चौथे स्थान पर है श्रीनगर, 5वें स्थान पर है भोपाल, जबलपुर 13वें स्थान पर है, 41वें स्थान पर है ग्वालियर। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में इंदौर जो है प्रथम स्थान हासिल किया है। 2017 से लगातार प्रथम स्थान हासिल करते आ रहा है। छठा प्रश्न, किस बैंक ने ऑल इन वन आयरिस मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? किस बैंक ने ऑल इन वन आयरिस मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यस बैंक। यह ऐप अपने ग्राहकों को सबसे अधिक सुविधाएं प्रदान करता है। चलिए डिटेल देख लेते हैं फ्रेंड, यस बैंक राइट आंसर हो जाएगा। यस बैंक की स्थापना 2004 में, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और इसके MD & CEO हैं प्रशांत कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट। इन्फोसिस के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? इन्फोसिस के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं?
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राफेल नडाल। राफेल नडाल इज द राइट आंसर। डिटेल देख लेते हैं फ्रेंड। राफेल नडाल इन्फोसिस के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। स्पेन के स्टार टेनिस खिलाड़ी हैं राफेल नडाल। 3 साल के लिए साइन हुए हैं। इन्फोसिस की स्थापना 2 जुलाई 1981। भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनियों में से एक है इन्फोसिस। इसका मुख्यालय जो है बेंगलुरु में है। और हाल ही में बीपीसीएल यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं राहुल द्रविड़। भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। शतरंज विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है। शतरंज विश्व कप यानी कि चेस वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता है या फिडे विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैग्नस कार्लसन। मैग्नस कार्लसन इज द राइट आंसर। डिटेल देख लेते हैं फ्रेंड। नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने शतरंज विश्व कप 2023 का खिताब जीता है। 34 वर्ष के हैं। 5 बार के विश्व चैंपियन हैं। भारत के 18 वर्षीय ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू यानी कि आर प्रज्ञानानंद को फाइनल में हराया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। B20 समिट इंडिया 2023 कहां शुरू होगा। B20 समिट इंडिया 2023 कहां शुरू होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नई दिल्ली में शुरू होगा। B20 समिट इंडिया 2023 नई दिल्ली में शुरू होगा। नई दिल्ली इज द राइट आंसर। आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं फ्रेंड। पोषण जागरूकता सूचकांक यानी कि न्यूट्रिशन अवेयरनेस इंडेक्स 2023 में शीर्ष राज्य के रूप में कौन उभरा है। पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में शीर्ष राज्य के रूप में कौन उभरा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पंजाब। पंजाब इज द राइट आंसर। चलिए डिटेल देख लेते हैं फ्रेंड। पंजाब 11% के साथ स्कोर के साथ प्रथम स्थान हासिल किया है। कर्नाटक दूसरे स्थान पर है 9% के साथ। दिल्ली तीसरे स्थान पर है 7% के साथ। उत्तराखंड चौथे स्थान पर है 6% के साथ। सबसे नीचे जो है बिहार है, उसके बाद आंध्र प्रदेश है, उसके बाद राजस्थान है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड आज का वीडियो आप लोग पसंद होगा। वीडियो पसंद होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।